सब्सक्राइब का बटन है ना यार, इसको प्रेस कर दो यार, ये बिल्कुल फ्री है। होगा क्या यार, ये लाल से काला हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे अब हॉट एयर आने लग गई है एकदम से कि आपको। हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल, मैं बैठा हूँ अपनी ब्रेजा 2022 के अंदर। तो यार जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है अपनी कार के अंदर हीटर को ऑन कैसे करें, क्योंकि जो हमारा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है उसमें कहीं भी हीटर का बटन नहीं लिखा हुआ था कि यार इसको प्रेस करेंगे तो हीटर चल जाएगा। तो आज पता कर देंगे हीटर चलता कैसे है, और अगर हीटर चलाते हैं तो क्या आपकी गाड़ी की माइलेज पे कोई इफेक्ट आता है, या आपके पावर पे कोई इफेक्ट आता है, या आपकी जो एवरेज है गाड़ी की वो कम या ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बताता हूं, तो वीडियो में बने रहे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ कि अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में जो आपका एसी पैनल है वहां पे हीटर को ऑन कैसे करें। तो बाय द वे अगर आप देख सकते हैं, ये मेरी ब्रेजा 2022 VXI मॉडल है। तो आते हैं अपने एसी के जो हमारे सारे कंट्रोल्स हैं उसकी तरफ। अगर आप ये वाले नॉब को देखेंगे तो ये आपके एयर की स्पीड को कंट्रोल करेगा, देखो। और ये वाला जो नॉब है ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ऑब्वियसली बात है, ये सारे फंक्शन मैंने आपको समझा रखे हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने सारे फंक्शन बताए थे, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हीटर से रिगार्डिंग ही। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, अगर हमें हीटर ऑन करना है तो यार देखो कहीं भी मुझे यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिख रहा कि अपने हीटर को ऑन करा जाए, कि यहाँ पे कहीं भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि यार हीटर को ऑन कैसे करना है। तो देखो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, करना क्या है, जो आपका टेम्परेचर वाला है ये जो नॉब है या जो भी कहेंगे से जो बटन है, तो इसको मैं क्या करूंगा ऊपर लेके जाऊंगा, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा। ये 27 हो गया, 27.5 हो गया, 28, इसी तरह से मैं इसको जितना मैक्सिमम जा सकता है मैक्सिमम करूंगा, 32 आ गया। अब इसके बाद जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा, यहां पे आपको एक चीज दिखाई देगी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब कि आपका जो हीटर है वो ऑन हो गया। लेकिन अगर मैं फैन की स्पीड को ऊपर करता हूँ चेक करने के लिए कि भाई गर्म हवा आ रही है नहीं आ रही है, तो यार बिल्कुल भी गर्म हवा नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे भी चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई गर्म हवा मुझे नहीं आ रही है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है क्या, यहाँ तो बोल रहा है कि आपका हीटर ऑन हो गया है। तो अब यार मैंने तो सेटिंग कर दी थी कि हीटर ऑन करने के, लेकिन हीटर तो ऑन हुआ नहीं। तो यार एक चीज मैं बता दूं, जो मेरी कार है ना इस टाइम पे स्टॉप है, स्टार्ट नहीं है। तो आपका हीटर हमेशा तभी काम करेगा जब आपकी कार स्टार्ट होगी, क्योंकि बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हीटर का मतलब होता है कि जो आपका इंजन है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन की जो हीट होती है ना, जो आपके इंजन की हीट है वो आपके एयर वेंट के थ्रू आपके कार के कैबिन के अंदर आती है, वही हीटर का काम करता है। लेकिन अभी मेरी कार बंद है तो बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे हीटिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, गाड़ी के अंदर कोई भी मुझे यहाँ पे गर्म हवा फील नहीं हो रही है क्योंकि मेरी कार बंद है। तो अगर मुझे हीटर को यूज करना है, ये जो गर्म हवा को अंदर लाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कार को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी कार को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इस टाइम पे मेरी कार जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मुझे यहाँ पे मेरी कार बिल्कुल स्टार्ट है, और अगर देखा जाए कि मेरे टेम्परेचर की तरफ, तो अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी। देखो बिल्कुल, ये मैं रात से मेरी गाड़ी खड़ी थी तो इसका इंजन एकदम ठंडा हो रखा था, तो एक आध मिनट में जो कार का इंजन है वो गर्म हो जाएगा, और उस हिसाब से ही उसकी जो हीट होगी, जो हमारे इंजन की हीट होगी, वो इन एयर वेंट्स के थ्रू अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो अब थोड़ा थोड़ा ना मुझे एक वार्म फीलिंग आने लग गई है कि भाई यहां से एक वार्म फीलिंग आ रही है। मैं आप लोगों तो नहीं इसको देख पाएंगे कि वार्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वार्म होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपका वार्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरह से जैसे जैसे जितना आपका इंजन गर्म होगा उसी हिसाब से यहाँ पे भी हीट अंदर आएगी। देखो 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 बिल्कुल यहाँ पे अब हॉट एयर आने लग गई है एकदम से, कि आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई केबिन के अंदर आपका गर्म होने लग गया। यहां से मैं फैन की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो यार ये था, इस तरह से आप अपनी कार के अंदर हीटर को ऑन करेंगे, लेकिन हीटर ऑन तभी होगा जब आप अपनी कार को स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, यानी कि अब ये मेरा इस टाइम पे क्या मेरा फ्यूल यूज हो रहा है, क्या मेरा जो एवरेज है उस पर फर्क पड़ेगा, क्या मेरी इंजन की पावर पे फर्क पड़ेगा। तो यार एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि हीटर चलाने से ना आपकी कार में कभी भी इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी गाड़ी की पावर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, जैसे मैंने एसी ऑफ रख रखा है तो ये आपका ऑफ ही रहना चाहिए। यहाँ पे देखो एसी ऑन आ रहा है ना, इसको नहीं करना, इसको हमेशा ऑफ ही रहने देना है।
इसका मतलब क्या होता है कि एसी ऑफ, क्योंकि जब कंप्रेसर चलेगा ही नहीं तो इकोनॉमी कहां से कम होगी। तो सेम इसी तरह से आपको अपने एसी को ऑफ रखना है, हीटर आपका काम करेगा। देखो प्योर गर्म हवा आने लग गई है, मतलब विद इन अ वन मिनट्स के अंदर, मैंने देखो वीडियो कट नहीं करी है, बिल्कुल वहीं से चलती रही ताकि मैं आपको बता सकूं कि कितना गर्म हवा रही है। देखो विद इन अ वन मिनट्स के अंदर यहां से हॉट एयर आने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंजन जो स्टार्ट हो गया उसकी जो हीट है वो कैबिन के अंदर आ रही है। तो यार ये थी एक छोटी सी वीडियो कि अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के अंदर अपना हीटर कैसे ऑन करें, फ्यूल नहीं लगता है, इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं आता है, इंजन की पावर पे इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आपकी ब्रेजा से रिगार्डिंग, मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। और यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार सबसे, यार ये जो देखो सब्सक्राइब का बटन है ना यार, इसको प्रेस कर दो यार, ये बिल्कुल फ्री है। होगा क्या यार, ये लाल से काला हो जाएगा।